अशोक गहलोत जयपुर पहुंच चुके विशेष विमान से। दरअसल वो दिल्ली से जयपुर आए और जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो दरअसल स्टेट हैंगर पर ही डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। वीआईपी लाउंज के अंदर ये मीटिंग चल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, इस बैठक के अंदर कानून व्यवस्था पर क्या इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि इसको कैसे सुधारा जाए, या फिर ये जानकारी जुटाई जा रही है कि बीते चार दिनों के बड़े बड़े घटनाक्रम क्या रहे, उस पर आपने क्या कुछ एक्शन लिया और उसको लेकर मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं? जो मुख्यमंत्री चार दिन से यहाँ नहीं थे, इस दौरान क्या क्या प्रदेश में घटना रही और खासकर शास्त्री नगर में जिस तरह से बच्चे से रेप हुआ था उस मामले में भी पूरी जानकारी ली जा रही है। खुद जो नए डीजीपी है वो मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है, मुख्यमंत्री के सचिव कुलदीप राका मौजूद है। और एक और मैं आपको अपडेट दे दूं कि SES फाइनेंस निरंजन आर्य वो भी यहाँ थे, जो अपना फीडबैक देने के बाद करीब 5 से 10 मिनट की मीटिंग के बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं सचिवालय के लिए। ये माना जा रहा है कि चूंकि बजट पेश होना है 10 तारीख को विधानसभा में, इस नई सरकार का पहला बड़ा बजट है, तो उसको लेके कुछ बातें उसमें हुई, उसके बाद निरंजन आर्य यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो स्टेट हैंगर है, इस स्टेट हैंगर के अंदर जो VIP लॉन्ज है वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें अब जिला कलेक्टर की बात करें जगरूप यादव, वो भी यहाँ मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है। और अभी तक जो चर्चा हो रही है वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है और पूरा फीडबैक लिया जा रहा है कि जो शास्त्री नगर वाले मामले में क्या क्या रहा था और किस तरह से इसको पूरा कंट्रोल कर जो है आगे इस घटना नहीं हो इसके लिए क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन बड़ी चीज़ ये कि चार दिन के बाद मुख्यमंत्री अब वापस जयपुर आ गए हैं। कल उनके जयपुर आने का कार्यक्रम था, बार बार बदल रहा था क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की जो कह सकते हैं अंदरूनी जो घटनाएं लगातार चल रही थी, जैसे राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था उसके बाद घटनाएं लगातार बदल रही थी, तो मुख्यमंत्री को दिल्ली में ही रहना पड़ा। और आज भी सुबह पहले उनका 9:15 बजे दिल्ली से रवाना होने का कार्यक्रम था, लेकिन बार बार बदलता गया और अब आखिरकार मुख्यमंत्री है। लेकिन आज के कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी लग पा रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेके लॉन्ज जाने वाले हैं, इसके अलावा कोई और मीटिंग वो करने वाले हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री यहाँ से जेके लोन अस्पताल जाके जो पीड़िता बच्ची है उससे मिल सकते हैं। लेकिन अभी इस कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि जब तक अंदर मीटिंग चलेगी पूरा फीडबैक होगा कि किस तरह क्या स्थिति है, किस तरह आगे जो कदम है वो बढ़ाया जा सकता है, उसके फीडबैक लेने के बाद ही मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। और रही बात आगे के कार्यक्रम की, तो देखिए आज की कोई विशेष शेड्यूल मीटिंग जो है वो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ आने को लेके कोई पुख्ता कार्यक्रम नहीं था, बार बार बदल रहा था, तो ऐसे में पिछले 3-4 दिन में जो जितनी कोई बड़ी मीटिंग रखी नहीं गई। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री आ चुके हैं ऐसे में, और बजट पेश होना, खास बात यह है बजट पेश होना है, और इस कारण से जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब वापस से जो बड़े अधिकारियों की मीटिंग है वो मुख्यमंत्री लेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट हैंगर पे जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अंदर ही है, मीटिंग ले रहे हैं। और आगे कार्यक्रम तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का जोर अभी रहेगा कि जो बजट पेश होना है उस बजट को लेके उसको अंतिम रूप देना और किस तरह से गुड गवर्नेंस को लेके जो फैसले किए जा सकते हैं उन पे ध्यान देना। और चूंकि 7 जुलाई को विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम भी है जिसमें लोकसभा स्पीकर आएंगे, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है वो भी आएंगे, तो उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। और लेकिन इंतजार और नजरें इस बात पे है कि जो बजट पेश होगा उसके लिए किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हमने देखा कि जो SES फाइनेंस है निरंजन आर्य वो पहले दिल्ली भी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और एक मुलाकात के बाद आ गए थे, और यहाँ भी वो खुद स्टेट हैंगर पहुंचे, यहाँ पे बात की है, चर्चा की है। तो जो मुख्य फोकस है वो गुड गवर्नेंस को लेके, एक अच्छा बजट जो है उसको लेके है, उस पर फोकस रहेगा। लेकिन कानून व्यवस्था वो भी ये कह सकते हैं कि सर्वोपरि है मुख्यमंत्री के जो एजेंडे उनमें, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है विजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि जो शास्त्री नगर की जो घटना हुई थी, भले ही मुख्यमंत्री दिल्ली में थे लेकिन पल पल की अपडेट वो लगातार ले रहे थे, यहाँ स्थानीय जो प्रतिनिधि है विधायकों की बात करें उनसे संपर्क में थे, DGP और कमिश्नर के संपर्क में थे, और यही कारण
कारण था कि तुरंत जो आरोपी है उसको पकड़ा गया, और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तुरंत जो पीड़िता के जो परिजन उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, लेकिन जो जितनी भी घटनाएं थी उन पे पूरी उनकी नजर थी, और यही कारण था कि जो आरोपी है वो तुरंत पकड़ा गया। ऐसे लेकिन यहाँ पर स्टेट हैंगर पर वीआईपी लाउंज के अंदर बैठक को करने की कोई खास वजह, क्योंकि ये तो सीएमओ में भी हो सकती थी, सीएम हाउस में भी हो सकती थी, वहां भी बुलाया जा सकता था। देखिए विजेंद्र, ये पुरानी एक्सरसाइज ऐसी रही है कि जब काफ़ी समय बाद या 2 या 3 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो पहले स्टेट हैंगर पे ही कई बातों को लेकर अपडेट ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पे एक सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री आवास की बात करें या सीएमओ की बात करें, कई जो लोग हैं जनप्रतिनिधि है वो मिलने आ जाते हैं, क्योंकि जो ही पता लगता है कि मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं तो वो घर पर आ जाते हैं या सीएमओ पहुँच जाते हैं, तो उनसे भी फिर मिलना होता है। ऐसे में जो बेसिक बातें, जो मुद्दे की बात है, जो कह सकते हैं सेंसिटिव मुद्दे हैं, उन पे इसी तरह बातचीत होती है, और ये पहले भी इस तरह की बात है, कोई ये नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी एक्सरसाइज होती रही है कि मुख्यमंत्री यहीं पे मीटिंग ले और उसके बाद पूरा फीडबैक लेके आगे चले। क्योंकि देखिए कई बातें होती है, मुख्यमंत्री हो सकता है मीडिया से बातचीत करे तो किस तरह जो है वो बात करनी है, किस तरह जो है बात रखनी है, ये सब चीजें तय होती है। और लग रहा है कि स्टेट एंगर को खोल दिया गया, मुख्यमंत्री शायद यहां से निकलने वाले हैं। साइज रही है कि स्टेट हैंगर पे मीटिंग रही है। देखिए हम आपको एक बार फिर विजेंद्र तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो वाहन है ये बारी बारी से निकल रहे हैं। हालांकि जब काफिला निकलेगा तो ये लंबे समय तक ये जो गेट स्टेट हैंगर का जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं खुला रहेगा। अभी तो अगर कोई वाहन को कहीं जाना है बीच में तो उसके लिए स्टेट हैंगर खोला जा रहा है। हालांकि पुलिस की जो है यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है और सुरक्षा घेरा है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है, और यहाँ भी ये इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है जो बाहर निकलेंगे तो काफिले के रूप में वो यहाँ से जाएंगे, और कुछ देर में जब हलचल होगी तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम, आपको बताएंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ से या जेके लोन अस्पताल या फिर सीएमओ या फिर सीएम हाउस, इन तीनों में से कहाँ जाते हैं वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि जो अंदर मीटिंग चली है उसमें किन किन बातों का डिस्कशन हुआ है। संभवतया उम्मीद है कि मुख्यमंत्री खुद ही बताएंगे बाहर आके कि क्या क्या बात है, किस तरह की चर्चा हुई है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, क्या कहने का आपका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर से जहां भी यहां से निकलने वाले हैं उससे पहले मीडिया से बातचीत करेंगे, दिल्ली के घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, या फिर मीटिंग में क्या कुछ रहा ये जानकारी देंगे, ब्रीफिंग करेंगे? विजेंद्र बिल्कुल इस बात की संभावना है, और मीडिया कर्मी भी इस उम्मीद में है कि मुख्यमंत्री चूंकि 4 दिन बाद जयपुर आए हैं, ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए किस तरह जो अपनी जो बात है वो रखते हैं दिल्ली के घटनाक्रम के लिए। हालांकि वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने कल चट्टान की तरह डिग रहते हुए फैसला कर लिया है कि अध्यक्ष रहना ही नहीं है, तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने देर रात ट्वीट किया था, एक बार फिर कहा था कि राहुल गांधी को अपने फैसले पे फिर से विचार करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी बात मानेंगे और अपना मन बदलेंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अपना फैसला नहीं बदल रहे तो अब ऐसे में कांग्रेस को आगे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि एक जो सीनियर लोगों का जो कोर ग्रुप है उनको अब तय करना है कि अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष क्या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि एक तरफ दिल्ली की घटनाओं पर भी नजर है, लेकिन साथ ही राजस्थान में बजट पेश करना है, तो एक दोहरी ये कह सकते हैं कि भूमिका उनको अब निभानी है कि दिल्ली में भी जो भी पार्टी जिस तरह का हो सकता है कि CWC मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें भी मुख्यमंत्री को जाना होगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे प्रदेश में भी उनको पूरा जो कह सकते हैं गुड गवर्नेंस की दिशा में काम वो लगातार कर रहे हैं, तो अब वो ही बता पाएंगे कि आगे की उनकी जो है आगे कार्यक्रम क्या रहेंगे। उम्मीद है कि वो अपनी बात रखेंगे, खासकर जो कांग्रेस में जो घटनाक्रम हो रहा है राहुल गांधी को लेके जो घटनाक्रम हो रहा है, बयान आ रहे हैं नेताओं के, कुछ नेताओं ने तो राहुल गांधी के जो फैसले है उसको
ये कह सकते हैं कि उसको स्वीकार करने के लिए भी अपील की है कि उन्होंने जो बात कही उसका सम्मान किया जाए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी है जो अभी भी इस बात पे कायम है कि राहुल गांधी को अपना फैसला बदलना चाहिए। तो देखना यह है कि आगे किस तरह के जो बातें हैं वो सामने आती है। फिलहाल विजेंद्र इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री स्टेट एंगर से बाहर आए, तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं उनका कि अपने जो बात करे, जो सवाल है मीडिया के उनके जवाब भी दिए। जी बिल्कुल नरेश, और इस दौरान महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। बजट उनको पेश करना है, पूरे प्रदेश को उन्हें संभालना है बतौर मुख्यमंत्री, और कांग्रेस के भी अघोषित तौर पर जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है क्योंकि वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती यहाँ पर होती है। और अगर कोई अगर कहा जाए कि गांधी परिवार के सबसे नज़दीक, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो माना जाए कि वो इसलिए भी इस मीटिंग को ले रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि हो सकता है कि शाम को ही, कल सुबह या फिर परसों उनको वापस दिल्ली जाना चाहे CWC की मीटिंग के लिए, या फिर नए अध्यक्ष किसको बनाया जाए उसकी एक एक्सरसाइज के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विजेंद्र, इस तरह के जो दौरे हैं वो लगातार हमने देखा है, पिछले काफ़ी समय से हो रहा है, अचानक दौरे हो रहे हैं। और ये दौरे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं की चर्चा है वो दिल्ली में चल रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री को बजट पेश करना है, 10 जुलाई का जो तारीख है वो तय हो चुकी है, इसके अलावा 7 जुलाई को विधानसभा में कार्यक्रम है उसमें भी मुख्यमंत्री को रहना है, तो यहाँ भी अपनी जो पूरी जिम्मेदारी, जो सरकार या गुड गवर्नेंस की जो जिम्मेदारी है वो उनको निभानी है, निभा भी रहे हैं लगातार। क्योंकि हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भले ही वो दिल्ली में हो, लेकिन राजस्थान पे लगातार यहाँ की जो घटनाएं उन पे लगातार, और अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि किस पे क्या काम करना है, किस तरह से जो एक्शन है वो रखना है। और यही कारण था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया विजेंद्र, कि जो शास्त्री नगर की जो घटना हुई थी उसमें आरोपी भी पकड़ा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, भले ही दिल्ली में थे लेकिन फोन के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। और बजट की जहां तक आपने बात की, तो बजट को लेके पहले वो तैयारी करके गए हैं, विभिन्न संगठनों के लोगों से, प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा SES फाइनेंस जो निरंजन आर्य है उनको दिल्ली बुलाया था, और अभी जब स्टेट एंगर पर मुख्यमंत्री आए तब भी निरंजन आर्य यहाँ पर मौजूद थे। तो पूरी प्लानिंग है, उन्होंने अपना मैंडेट है वो बता दिया है कि किस तरह का बजट होना चाहिए, और उसमें अधिकारी जुटे हुए हैं। देखिए, ये जो काम है वो अधिकारियों करना है, उसके बाद जब फाइनल टच होगा, जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो फिर मुख्यमंत्री के पास आएगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री बजट से एक दिन पहले या दो दिन पहले पूरी एक्सरसाइज करके उसको अंतिम रूप देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए।